Hello everyone, welcome to class number 52 of the chapter Programming Using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है classes and objects. So, आज के class में हम discuss करेंगे कि एक class क्या है, object क्या है, एक class को हम कैसे create कर सकते हैं, class create करने के बाद उस class को use करके हम उसके objects कैसे create कर सकते हैं, ये सारे topic के बारे में आज के class में हम discuss करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं discussion. So, first हम देखते हैं what is class. Class क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, as we know, C++ is an object-oriented programming language. C++ एक object-oriented programming language है. तो C++ जबकि एक object-oriented programming language है, तो हर एक object-oriented programming languages में हम programs को लिखते हैं by using the concept of class and object. Without class and object, कोई भी object-oriented programming को हम easily नहीं लिख सकते. Okay, so class क्या है? Object क्या है? Class means what? Real world में class का meaning क्या है? Class means the group of similar type of object can be considered as class. जैसे कि first year class, जहां पे वो सारे students होते हैं, जिनको same syllabus या फिर same course की requirements होते हैं. तो हर एक student क्या है? हर एक student object है. और इतने सारे objects को लेके बनता क्या है? Class. तो जबकि एक particular class में more than one objects होते हैं, और object हम किनको बोलते हैं? जिनका खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, जिनका खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. ओके, वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जबकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को लिखते हैं. और जबकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, तो यहाँ पे हर एक क्लासेस का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स एज वेल एज अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस और मेथड्स होता है. ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स है क्या. एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार. कार का खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो कार को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. सो कार का अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, तो कार एक ऑब्जेक्ट हो सकता है. और कार का कुछ एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मींस कार के प्रॉपर्टीज है, कि कार का कॉलर ये है, कार का वेट इतना है, कार का प्राइस इतना है, कार में इतने लोग जा सकते हैं. ओके, तो कार ज्यादा कंफर्टेबल है या नहीं, तो ये कार के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम बोलते हैं कार के एट्रीब्यूट्स. और उसके बहुत सारे मेथड्स या फिर फंक्शंस भी हैं, मतलब कार को यूज करके हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करते वक्त कार को हम ब्रेक यूज करके कार को रोक सकते हैं. ओके, कार को लॉक करके जा सकते हैं. ये कुछ मेथड्स या फिर फंक्शंस हैं उस पर्टिकुलर कार का. तो जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स होता है, और जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मेथड्स या फिर फंक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ओके, तो वैसे ही अगर एक C++ प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो वहां पे अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो वहां पे उनके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स भी यूज करना जरूरी है. ओके, सो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली, जैसे कि कोई प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं, तो क्लास के अंदर अगर हम वेरिएबल्स यूज करते हैं या फिर फंक्शंस यूज करते हैं, तो उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं क्या, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर क्लास का, और फंक्शंस को बोलते हैं मेथड्स उस पर्टिकुलर क्लास का. और जबकि इनको हम उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर यूज करते हैं इन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को, इसीलिए इन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को हम उस पर्टिकुलर क्लास का मेंबर बोल के बोलते हैं, या फिर इनको हम क्लास मेंबर्स बोल सकते हैं. एक पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड वेरिएबल्स या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? क्लास मेंबर. दीज आर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देम एज क्लास मेंबर. ओके, सो क्लास एक्चुअली है क्या? क्लास एक उप्स कॉन्सेप्ट का एक कंपोनेंट है, ये हम तो जानते हैं, बट क्लास एक्चुअली है क्या? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम क्रिएट करने के बाद स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही क्लास भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. क्लास क्रिएट करने के बाद उस क्लास को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, तो ये तो पता चला कि क्लास क्या है. क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है,
ओके जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एज वेल एज अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है. प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स या फिर डाटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं मेथड्स. ओके अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट ए क्लास. एक क्लास हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम क्रिएट कर पाते थे बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, वैसे ही एक क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड. क्लास कीवर्ड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो देखते हैं सिंटैक्स की कैसे हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास, देन क्लास नेम. क्लास नेम अपने मर्जी से आप जो चाहो दे सकते हो. उसके बाद क्लास को ओपन करेंगे, क्योंकि हर एक क्लास का अपना खुद का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट एज वेल एज अपना खुद का कुछ ना कुछ मेथड्स होता है, फंक्शंस होते हैं. तो उन एट्रीब्यूट्स एंड उन मेथड्स को डिफाइन करेंगे हम जिसके अंदर, उसके लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जो ये डिफाइन करता है कि ये इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स हैं. ओके इस पर्टिकुलर क्लास के ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे ये हमें बताएगा कि ये इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का. क्लास मैंने यहाँ पे क्लास नेम अपने मर्जी से लिया, जिस क्लास का नाम मैंने क्या दिया, माई क्लास. क्लास को मैंने ओपन किया. ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज किया है पब्लिक. तो ये पब्लिक है क्या, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है. मतलब ये हमें ये स्पेसिफाई करता है या फिर ये बताता है कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम जो भी डाटा मेंबर्स जो भी मेथड्स डिफाइन करते हैं उसको हम हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक यूज किया है तो. अगर कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं मतलब बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट रहता है, मतलब इसको आउट मतलब क्लास के बाहर किसी और के द्वारा हम एक्सेस नहीं कर सकते. अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर्स और मेथड्स को हम क्लास क्लास के बाहर भी यूज कर सकें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वहां पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा. तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं. इसके लिए वरिड होने की कोई भी जरूरत नहीं है. अभी हमें सिंपल बस ये सीखना है कि हाउ कैन वी क्रिएट ए क्लास, एक क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. पहले हम यूज करेंगे क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम अपने मर्जी से कुछ भी, फिर हम ओपन करेंगे क्लास को. ओके ओपन कर्ली ब्रेसेस के द्वारा. ओपन करने के बाद उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे जितने भी डाटा मेंबर्स जितने भी मेंबर फंक्शंस या फिर जितने भी डाटा मेंबर्स जितने भी मेथड्स हम डिक्लेयर करना चाहते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे और सेमीकॉलन प्रोवाइड करेंगे जिसके द्वारा ये हमें बताएगा कि क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ओके तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इस एग्जाम्पल में मैंने पहले यूज किया है क्लास कीवर्ड, जिस कीवर्ड को यूज करके मैंने क्रिएट किया एक क्लास जिस क्लास का नाम क्या है, माई क्लास. उसके बाद क्लास को क्रिएट करने के बाद मैंने जब क्लास को ओपन किया ओपन कर्ली ब्रेसेस के द्वारा, उसके अंदर मैंने यूज किया है पब्लिक कीवर्ड. तो ये पब्लिक कीवर्ड क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स डिक्लेयर करेंगे वो क्लास के आउटसाइड में मतलब क्लास के बाहर हम उस प्रोग्राम में क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे अगर मैंने वहां पे पब्लिक कीवर्ड यूज करके उसको डिक्लेयर किया है तो. ओके उसके बाद इनसाइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल. उसके बाद मैंने उसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक इंटीजर वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल. इंटीजर वेरिएबल का नाम है माई नम एंड स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मैंने दिया माई स्ट्रिंग. ओके तो ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स या फिर डाटा मेंबर्स. कोई भी वेरिएबल्स अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला था उसको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ओके एट लास्ट उसके बाद जब हम एक क्लास को क्रिएट कंप्लीटली कर लेते हैं उसके बाद क्लास को एंड करते हैं किस सिंबल के द्वारा, सेमी कॉलन सिंबल के द्वारा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेमी कॉलन सिंबल के द्वारा हमने क्लास को एंड किया है. ओके तो पता चला एक सिंपली क्लास हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अभी हम आते हैं कि एक क्लास क्रिएट करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास का. इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास. रियल लाइफ में भी एक क्लास मतलब जो एक क्लास है क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ओके वैसे ही एक पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम में भी हम क्लास को लेके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं.
एक पर्टिकुलर क्लास को लेके हम वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे उस क्लास का नाम, उसके बाद उस क्लास के नाम को यूज करने के बाद वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी नेम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने मर्जी से। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया यहाँ पे एक क्लास को, जिस क्लास में मैंने दो ठो यहाँ पे वेरिएबल्स उसके अंदर डिक्लेयर किया है एज ए डाटा मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज किया क्लास नेम, फिर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया ऑब्जेक्ट नेम, और ये ऑब्जेक्ट नेम हम हमारे मर्जी से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद सेमीकॉलन। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, जिसके द्वारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लास में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसीलिए ताकि उस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकें। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास में आप जाते हो तो उस पर्टिकुलर क्लास को या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को यूज कौन करता है? उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स, जो कि उस पर्टिकुलर क्लास के एक एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप जो भी डाटा मेंबर्स, जो भी मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हो उनको एक्सेस करने के लिए हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स, एक पर्टिकुलर क्लास में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को या फिर डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज डॉट ऑपरेटर, दिस इज द डाटा मेंबर। ओके, वहां पे मैंने एक्सेस किया और उसको वैल्यू प्रोवाइड किया 7। वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया वैल्यू सुनील, और अगर उसको एक्सेस करके आउटपुट भी दिखाना चाहता है तो यहाँ पे सी आउट में मैंने ओबीजे डॉट माई नेम माई नम लिखा, मतलब वो आउटपुट दिखाएगा 7। न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा सुनील। तो यहाँ पे आउटपुट क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर क्लास हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लास क्रिएट करने के बाद उस क्लास नेम को यूज करके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उन ऑब्जेक्ट्स को डॉट ऑपरेटर के द्वारा हम कैसे यूज करके उस पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने देखा। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि क्लास क्या है, क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के क्लास में हमने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।